यशोमति मैया के नंदलाला। क्या हुआ अकलासुर, तुम्हारे पास राज्य को देने के लिए कोई सूचना नहीं है? सूचना तो अवश्य है महारानी, पर पहले महाराज के बारे में सूचना जानना चाहता हूँ मैं। अकलासुर, शिष्टाचार कहाँ है तुम्हारा? खड़े होकर वार्तालाप करो, ये मत भूलो कि तुम राज सिंहासन को उत्तर दे रहे हो। सिंहासन पर सिंह ना हो तो शिष्टाचार का प्रश्न नहीं उठता। मैं खड़े होकर पूरी विनम्रता से उत्तर देता यदि महाराज कंस यहाँ होते तो। पिछले 3 वर्षों में इस सिंहासन का भार किसने संभाला है अकालासुर? महाराज कंस के प्रतिनिधि के रूप में किसने बनाया मथुरा को अधिक समृद्ध, अधिक शक्तिशाली? बोलिए, किसके हाथों में सुरक्षित रही है महाराज कंस के साम्राज्य की बागडोर? यही तो मेरा प्रश्न है महारानी। साम्राज्य महाराज कंस का, सिंहासन महाराज कंस का, पर अदृश्य कौन है? स्वयं महाराज कंस। आप ही बताइए महारानी, कहाँ है महाराज? क्या तुम्हें ज्ञात नहीं है अकालासुर कि महाराज गहन तपस्या में है? अपने साम्राज्य और प्रजा के हित के लिए वो अपना कर्तव्य कर रहे हैं। राजा का पहला कर्तव्य उसकी प्रजा के प्रति होता है। पिछले 3 वर्षों से प्रजा ने उनको देखा तक नहीं है, न जाने वो जीवित हैं या। बस, बस, बस। माता, मुझे कान्हा ने बुलायो है। देखना, अब घर खेल के मैदान में बदलने वालों है। खिलाड़ी बस आते ही होंगे और सबसे पहले आएगा वो जो कान्हा का सबसे प्रिय और आज्ञाकारी मित्र है, सुबल। नारायण नारायण, कान्हा ने बुलायो, मैं दौड़ा चलायो। तू तो पहले से ही फल खा रहा है, हम्म? अब जो मैं इतने सारे व्यंजन बना रही हूँ उसके लिए तो तेरे पेट में स्थान ही ना बचेगी। मैं बचा लूंगा काकी, ये तो अभी समाप्त कर ही दूंगा, फिर जब बनाएगी वो भी खा लूंगा। ना कहकर उनका अपमान थोड़ी ना करूंगा मैं। अब दूसरा आएगा वो जिसका बड़बोला व्यवहार पूरे गोकुल को पतो है, कान्हा का सबसे पहला मित्र सुमति का लल्ला उज्जवल। कान्हा, तेरे भोपू का स्वर सुनते ही चला आयो, पता है कितनी कठिनाई हुई मुझे? शीघ्रता के चक्कर में गिरते गिरते बचो और फिर भी भागते दौड़ते सबसे पहले पहुंचाऊं यहाँ। पर सबसे पहले तो सुबल पहुंचो है। हाँ हाँ, वो तो इसलिए कि मैंने पहुंचने दियो। अरे कहीं तो प्रथम आने का अवसर मिलना चाहिए हमारे मित्र को, है कि ना? एक का पेट बातों से ना भरता और एक का भोजन करके भी ना भरता है। पर सुबल, तू जो खा तो है वो जा तो कहाँ है? मेरा आकार बड़ा है ना, इसलिए अधिक भोजन की आवश्यकता होती है। सुबल, तू चिंता मत ही कर, तेरा प्रिय व्यंजन बनाया मैंने, खीर चूरमा। अब देखना सब, अब आएगा वो जो बोलता तो है पर तनिक धीमी गति से, पर दौड़ता घोड़े की गति से है। कान्हा ने पुकार लगाए मेरे
पाँव ने गति पाई। भाई वाह यशोदा, तुम्हें तो सब पता है, किसका व्यवहार कैसो है, किसे कौन सो व्यंजन पसंद है। मुझे तो जे भी पतो है कि अगला कौन आएगो। अच्छा तो बताओ कौन। अब आएगो गोकुल का सबसे बड़ा सत्यवादी, पूर्णा मौसी का पोता मधुमंगल। नारायण नारायण। चलो अब तो मैं भी आगो, अब खेले। पर कान्हा तो अभी खेलना आरंभ करेगो। ऐसा क्यों, इसके दाव तो आए ही ना। और दाऊ के बिना कान्हा कछु आरंभ करे जे तो संभव ही ना है। दाऊ कहाँ रह गए। कान्हा वो वसंता से मिलने गया है। दोनों एक साथ ही आएंगे। दाऊ आ गए। वसंता दाऊ के ऊपर। नारायण नारायण नारायण। बलराम, बसंता को कंधे पे उठाने की क्या आवश्यकता थी। कंधे पे लेकर ना आता तो आता ही नहीं काका जी, एक कोने में भैंसे डुबक कर बैठ गया था और नारायण नारायण जप रहा था। बस तो फिर नारायण का नाम सुन के दाऊ को सहायता तो करनी ही थी। भय कोई भूत प्रेत का था क्या, क्योंकि जब मैं भी उस मार्ग से आ रहा था तब मेरे पीछे भी एक भूत पड़ गया था। उसके इतने लंबे हाथ थे और पांव तो भूत नहीं बिल्ली पड़ गई थी इसके पीछे। हाँ चलो हम छुपन छुपाई खेलेंगे। महारानियों के लिए मेरे मन में सम्मान बहुत है, पर महाराज का स्थान कोई और नहीं ले सकता। आप सब विचार कीजिए, महाराज अपनी प्रजा के साथ छुपम छुपाई क्यों खेल रहे हैं। तुमने कहा था नए अस्त्र शस्त्र आ चुके हैं, दिखाओ। जी लाओ। ऐसे तलवार का भय दिखाकर आप मुंह बंद करवा सकती हैं, पर मन में उपजे प्रश्न को आप नहीं रोक सकती। महारानी, अकलासुर का प्रश्न उचित ही है, अन्य सभासदों के मन में भी यही जिज्ञासा है, हम सब महाराज को देखना चाहते हैं। महारानी एक बार दर्शन करा दीजिए ना महाराज के। कहीं प्राप्ति को क्रोध आ गया तो इनकी जिज्ञासा प्राणों की आहुति ले लेगी। तो क्या चाहते हैं आप सब, कि महाराज की तपस्या भंग हो जाए, हम महाराज को साधना के बीच से उठा दें, क्योंकि आप सभी को उनसे मिलना है। जब तक युद्ध की स्थिति ना हो तलवार मयान के भीतर ही अच्छी लगती है, और आवश्यकता ना हो तो जीभ मुंह के भीतर ही शोभा देती है। आप सभी को अपने महाराज से भेंट करने का पूरा अधिकार है, इसलिए आज अश्विन पूर्णिमा को महाराज कंस आपसे अवश्य भेंट करेंगे। महाराज कंस की जय। महाराज कंस की जय। महारानी अस्ति और महारानी प्राप्ति की जय। अकालासुर आना मत भूलना। चलो अब हम भी अपना कार्य आरंभ करते हैं। हाँ जी जी चलो। भोजन के लिए तो प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, तो तुम लोग देख क्या रहे हो, खेल आरंभ करो। बोल
बोलो ना, कौन लेगो पहली दाव? ठीक है, सदैव मेरे लल्ला को ही पहला दाव दे देते हैं, वो मेरा बोला भाला काना मान भी लेते हैं। बालकों को जैसे आनंद आए खेलने दो उन्हें, पर कभी तो मेरे लल्ला को भी छुपने का अवसर मिलना चाहिए। बहुत प्रवीण है छुपने में, मुझसे अधिक कौन समझेगा? एक काना, चल मती कर, नहीं तो फिर से दाव लेनी पड़ेगी। एक दाव लेने वाली की आंखें अनेक। दो सिगरेट सिगरेट छुप लो। तीन आरो हूँ बजाते हुए बीन। चार सब हो गए ना तैयार। पांच अब देखो काना का नाच। यशोदा, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? यही है, यही तो है जीजी। चल लद्दी गिर गयो ना, और आटा डाल देती हूँ, सारे बालक पेट भर के पूरियां खाएंगे। जो सेम छुपने पर पारंगत है उससे कितनी देर छुपेंगे ये सब? खेल के बहाने ही सही, एक बार बाहर आ जाओ कृष्ण। आओ देखो तो सही, कौन है तुम्हारी प्रतीक्षा में इतना व्याकुल? कान्हा, बाहर सबको छुपने से मना कियो है मैंने, बाहर कोई ना छुपो है। यहाँ कौन छुपो हो सकता है? मुझे पता है, भोजन बनते ही सबसे पहले कौन आएगा खाने? सुबल। वार के पीछे सुबल छुपो है। जानती हो रोहिणी जीजी, मेरा कान्हा तो किसी से भी ना डरता, ना भूत से ना प्रेत से, और बिल्ली और बैल तो कछु गिनती में ही ना है। अवश्य मैया, वसंता के बारे में संकेत दे रही है। वसंता तू बोरे में छुपो है ना, चल बाहर आ जा। नो कर लो बात, मैं तो अपना कार्य कर रही हूँ, और तुम सब खेल रहे हो तो मैं तो भंडार कक्ष में भी नहीं जा रही। भंडार कक्ष में कोई चुप है? जी तुझको संकेत दे रही है। ये उचित ना है काकी जी। आप छल कर रही हो ताई जी। छल 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 छल। अच्छा जी, मैं और छल, ये तो संभव ही ना है। आपने संकेत दियो है खाना को, खेल में इसकी सहायता करके छल क्यों है आपने? अच्छा, छल मैं करती हूँ,
छल तो तुम सब करते हो मेरे लल्ला के साथ उसे पहला दाव देके। ये अनुचित है ताई जी। ताई जी ने छल किया, 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 ताई मैया ने कोई छल ना किया। और ये सत्य है कि इन्होंने तुम्हारी सहायता की है ना? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए सुधा। आपको बालकों के बीच में ना आना चाहिए जी। अरे मैं आ रहा हूँ बीच में, बालकों के खेल के बीच में तो तुम आ रही हो। उचित कहाँ, ताऊ जी सही कह रहे हैं, ताऊ जी सही कह रहे हैं, देखो ताऊ जी सही कह रहे हैं। मैं आई हूँ तुम लोगों के खेल के बीच में। पक्की बात? क्योंकि मैं तो स्वादिष्ट खीर चूरमा और पूरियां बनाने जा रही हूँ तुम सबके लिए, वो भी माखन के साथ। मैया तो मुझसे भी अति चतुर है। अंतिम अवसर दे रही हूँ, बता दो। मैं बीच में आ रही थी ना। मैंने छल करो क्या ना। पक्की बात? पक्की बात काकी, आप तो अपने कार्य में व्यस्त थी। हमारे लिए पकवान बना रही थी। तो चलो बस पार्क में बैठ जाओ स्वादिष्ट व्यंजन खाने के लिए। आजा। एक बार तो बाहर आओ कृष्ण, अपनी पीड़ा तुम्हें देनी है मुझे और तुमसे लेना है सुख। अपनी एकमात्र इच्छा पूरी करने का सुख। आश्वासन तो तुमने दे दिया, किंतु इस दशा में कैसे मिलाओगी इन्हें सभासदों से? यदि वो सभी शीघ्र ही महाराज से नहीं मिले तो इन्हें मृत मानकर विद्रोह कर देंगे सब। हमें राज सिंहासन से नीचे उतार देंगे, हम पर आक्रमण कर देंगे और हम दोनों कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए अब और कोई उपाय नहीं है अस्थि, हमें किसी भी तरह इन्हें इस कक्ष से बाहर निकलने के लिए मनाना ही होगा। बलराम काना कहाँ है? मुझे ना पता काकी। यशोदा होगा यही कहीं, देखना खीर चूरमा की गंध से कैसे अब भी दौड़ा चलाएगा। छे तो है पर गयो कहाँ? चीची आप इन सबको भोजन कराओ ना, मैं उसे ढूंढ के लाती हूँ। आ जाओ, आओ और पास आओ कृष्ण, आ जाओ, आओ कृष्ण, आओ आ जाओ। कान्हा, कान्हा, मेरे प्रभु, मेरे कान्हा, आज तुमने मेरी वर्षों की इच्छा पूरी कर दी। मैं तरस रही थी तुम्हारे चरण स्पर्श के लिए। इतनी लंबी प्रतीक्षा कराने के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ गुरु देवी। बताइए मैं ऐसा क्या करूँ जिससे इस फिल्म का प्रेषित हो पाए? जो चाहिए था वो तो आपने पहले ही दे दिया प्रभु।
अपने चरण कमल मुझ पर रखकर आपने मुझे कृतार्थ कर दिया, पर मेरे पास आपको देने के लिए अपनी तुच्छ मिट्टी और कंकड़ के सिवा कुछ नहीं है। मैं आपको क्या उपहार दूं प्रभु? आप सभी प्राणियों को अपने ऊपर स्थान देती है देवी। कोई पापी हो या महात्मा, किसी के साथ पक्षपात नहीं करती, इसलिए आपकी मिट्टी और कंकड़ तुच्छ नहीं है देवी। यदि आप मुझे कुछ उपहार देना चाहती हैं, तो प्रेम और समर्पण के रूप में अपनी मिट्टी दीजिए, मैं आनंद से स्वीकार करूंगा।